या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतत दो दिन से हमारे सागर में आयोजित इस भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस समागम के अवसर पर मंच पर विराजमान, बल्कि व्यास गद्दी कहूंगा, व्यास गद्दी पर विराजमान परम आदरणीय परमहंस, समाज में चेतना जगाने हेतु 114 वर्ष ये जो आयोजन हो रहा है उसके प्रणेता आदरणीय महाराज जी, सम्मुख उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी इस संगठन से जुड़े हुए सभी मित्रों, सभी पदाधिकारी बंधु, सभी व्यवस्थापक बंधु, माताएं बहनें, बड़ी संख्या में नारी शक्ति यहां पर विराजमान है, सभी के लिए प्रणाम करता हुआ महाराज जी का पिछले कई बार सत्संग हुआ सुनने का, आपके प्रवचन निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं। और ये बात सही है कि जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए आपत्ति हो सकती है, बुरा भी लग सकता है, कष्ट भी हो सकता है, क्लेश भी हो सकता है, हमारे यहां पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन सत्य बात करना, यथार्थ की बात करना और थोड़ा कटु बात करना निश्चित रूप से हर संत के बस की बात इस काल में नहीं हो सकती। आजकल संतों का जो हाल है, कल महाराज जी की बात में सुन रहा था, आज भी उन्होंने थोड़ा संकेत किया, 5 स्टार संत 25-25, 50-50 करोड़ रुपया खर्च करते हैं एक एक मेले में, एक एक आयोजन में, एक एक कुंभ के। आप सभी लोगों ने कुंभ में देखा हो, शास्त्र में भी देखा, जिसका जितना बड़ा आडंबर उतना ही बड़ा संत, जितनी बड़ी गद्दी जितना बड़ा मंच, जितना बड़ा तामझाम। और इसलिए सौभाग्य कहूं दुर्भाग्य कहूं, मुझे कभी कुंभ में स्नान करने का अवसर नहीं मिला। चाहता था जिंदगी के अंतिम पड़ाव में करूं, कहते हैं कि सारे पाप कट जाते हैं तो अभी थोड़ा सा और कर लें, और ना नहीं करूं तो मैं मान के चलता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में उसका एक महत्व है, उसका मैं उपहास नहीं कर रहा, मैं तो प्रणाम कर रहा हूं कि आज व्यास गद्दी पर बैठे हुए महाराज जी स्पष्ट रूप से उन बातों की तरफ इंगित कर रहे हैं जिससे हमारा घर द्वार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, गृहस्थी टूट रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, चाहे कोई भी दल हो, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे हमारे राज्यों की सरकार हो। किसी कारणवश से हो सकता है कि व्यवस्थाएं अभी लागू नहीं हो पाती, निषेध नहीं हो पा रहा है, लेकिन महाराज जी ने जैसा कहा है, मैं मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद का एक सदस्य होने के कारण आपको यह वचन देता हूं कि मैं अंतिम प्रयास करूंगा और अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा इस बात का कि हमारे राज्य में, हम देश की बात तो नहीं करेंगे लेकिन राज्य में हमारे आपकी इच्छा के अनुसार और घर गृहस्थी के सुख के लिए मद्य निषेध लागू हो। मैं कभी जब गांव देहात जाता हूं, मैंने देखा है कि उन्होंने कहा अचानक मंत्री जी आ गए, 10-5 लोग साथ में हैं, चाय बनाना है तो दूध ढूंढने के लिए जाते हैं लोग, मोहल्ले में पड़ोस में किलो आधा किलो दूध हो तो 10-5 लोगों के लिए चाय बन जाए,
लेकिन मैंने देखा है कि घर घर दारू की व्यवस्था जरूर हो जाती है, दारू ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, होम डिलीवरी हो जाती है। ये कष्ट की बात है, दुख की बात है हम सभी के लिए, हमारे साथी लोग बैठे, हमारे सांसद जी बैठे, सभी के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात, कष्ट की बात, हम लोग हमेशा करते थे। और मैं ही मान के चलता हूं कि यदि वास्तव में पारिवारिक कलह का और हमारे समाज की दुर्दशा का, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है तो वह है नशा मुक्त समाज। हमें इसको पूर्णतः नशा युक्त समाज है जो, हमें नशा मुक्त करना होगा। मैं मान के चलता हूं कि सरकारों की जिम्मेवारी तो होती है, लेकिन महाराज जी आप जैसे विचारक, आप जैसे प्रेरणादायी विचार देने वाले, आप जैसे संगठन चलाने वाले लोग यदि सरकार को इंगित करें, सरकार को प्रेरित करें, जिस तरह से आप इस संगठन के लिए दीक्षित और शिक्षित कर रहे हैं, ऐसा सरकार को भी करें, तो मैं मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ना एक दिन पूर्णतः नशाबंदी लागू होकर रहेगी। गुरु जो होते हैं शिक्षा देने के लिए होते हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि गुरु वो व्यक्ति होते हैं कि एक मिट्टी का लौंदा जो होता है, यदि उस लौंदे के लिए हम सदुपयोग करना चाहें तो उसी की एक ठंडे पानी पीने की सुराही बन सकती है, कोई कुमार बना सकता है हमारा, और यदि उससे नशा करना चाहें तो उसी मिट्टी के लौंदे की एक चिलम भी बन सकती है गांजा पीने के लिए और नशा करने के लिए। गुरु बोधशा देते हैं कि तुम ठंडे पानी की सुराही बनो, हमारे शिष्य तुम चिलम नहीं बनो। गुरु शिक्षा देते हैं, बांस का एक डंडा होता है, एक लाठी होती है, उस डंडे के लिए यदि हम सुरीला सुर निकालना चाहें तो बांसुरी का वह टुकड़ा भी बन सकती है, बांस का वह टुकड़ा बांसुरी भी बन सकती है, और यदि चाहें तो उसी लाठी से, उसी बांस के डंडे से सिर फोड़ने का काम भी हो सकता है। सदुपयोग करना जो है वह गुरु जब दीक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे, तो सभी संगठन के लोग उसके अनुयायी बने, उसको काम कर। भगवान ने यह कंठ दिया है, इसी कंठ से भजन भी निकल सकते हैं, सुरीले गीत भी निकल सकते हैं और भद्दी गालियां भी निकल सकती हैं। गुरु यह बताते हैं कि आपको सुरीले गीत निकालना है, भजन निकालना है, आपके लिए गालियां नहीं देना। यही गुरु की महिमा है। गुरु जी ने जो सभी लोगों के सामने दो दिन अपना बहुत ही ज्यादा, मैं मान के चलता हूं कि बहुत ही मन को मथने वाला, एकदम हृदय के अंदर प्रवेश करने वाला, झजकोरने वाला जो वक्तव्य दिया है, मैं मान के चलता हूं कि हम सभी लोगों के लिए कोई आपत्ति नहीं है। गुरु जी हम राजनीतिक लोग जरूर हैं, लेकिन हम लोग कम से कम इतने परिपक्व हैं कि जो अच्छी बात होती है उसे ग्रहण करने की हम लोगों के अंदर भगवान ने असीम क्षमता दी है, हम सब लोगों को कोई आपत्ति नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में यदि सदाशयता नहीं, सहनशीलता नहीं, सहृदयता नहीं, तो मैं मान के चलता हूं कि वह शायद व्यक्ति तकनीकी रूप से पदाधिकारी हो गया है लेकिन वास्तविक राजनीतिक नहीं बन पाया है, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। वह तही वास्तविक राजनीतिक बनेगा जबकि उसके लिए अपनी बुराई सुनने की भी उसके मन के अंदर क्षमता हो जाएगी, जिस दिन उसके शरीर के बर्दाश्त करने की, उसकी दिमाग को बर्दाश्त करने की जिस दिन क्षमता हो जाएगी, मैं मान के चलूंगा वह आदर्श राजनीतिक बन गया। अन्यथा हम तो पदाधिकारी ही रहेंगे, आज रहेंगे कल चले जाएंगे, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहना है। और इसलिए गुरु जी आपने जो कुछ भी हम सभी लोगों के लिए शिक्षा दी है, हम सभी लोग इस बात का प्रण लेते हैं, हम सभी लोग इसकी सौगंध लेते हैं कि आपकी शिक्षा के अनुसार ही हम सभी लोग, मैं प्रयास ये करूंगा मुख्यमंत्री जी से मिलकर और अपनी सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर, अपने हाईकमान के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, देश के नेता, उन सभी से मिलकर और हमारे सभी साथी हमारे साथ इस बात का प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा दिए गए संदेश को या निर्देश को या आदेश को हम वहां तक पहुंचा सके, ताकि यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, फिर से महान भारत बन जाए, फिर से विश्वगुरु बन जाए। आपके श्री चरणों में, माँ जगदम्बे जी के पीठ श्री चरणों में, जिन्होंने आपको यह शक्ति दी, यह शक्ति सभी लोगों में नहीं होती। आपने जो कल अपने
उद्बोधन में हम सभी को बताया था कि किस प्रकार से आपने तप और तपस्या करके अपने शरीर के लिए तपाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप अब सामान्य आदमी नहीं है, अब आप असामान्य व्यक्ति हो गए और हम सामान्य व्यक्तियों के लिए आप सबसे चेतना प्राप्त करना हम सभी लोगों का एक प्रकार से अब अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और आप हम सब लोगों के लिए दीक्षित करें जो कि प्रातः है आपने किया, मैं आपके लिए पुनः प्रणाम करता हूं इस दीक्षा देने के लिए। ऐसे यदि आपने आयोजन करके और देश में जगाने के काम कर लिए तो मैं मान के चलता हूं कि वो काम जो सरकार के लिए आज थोड़ा असंभव दिख रहा है आपकी पृष्ठभूमि में आने से वह कार्य अब देश में संभव हो जाएगा, प्रदेश में संभव हो जाएगा। कोई भी शक्ति से नहीं, आपके लिए पुनः प्रणाम करता हुआ आपने मुझे अपना विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं आपका, आपके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं और पुनः प्रणाम करता हूं। नमस्कार। माननीय विधायक प्रहलाद भार्गव जी ने अपने हृदय के विचार रखे, क्योंकि मैं महसूस करता हूं ये उनके हृदय से निकले हुए विचार हैं। कहीं ना कहीं अगर यही भावना हम आप सभी की बन जाए तो निश्चित रूप से समाज में अवश्य परिवर्तन आएगा। समय का अभाव होता है, फिर भी इसमें सांसद माननीय प्रहलाद पटेल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो मध्य प्रदेश के हैं, देश के एक प्रतिनिधि हैं और हमारा दमोह जिला जो संगठन का नंबर एक जिला जनजागरण में हर बार आता है और शराबबंदी में भी पूरे देश में जितनी शराब पकड़ाई गई होगी उससे कहीं अधिक शराब दमोह में पकड़ाई गई है। आप वहाँ के सांसद हैं, मैं 5 मिनट चाहूँगा कि आप भी अपना विचार जनमानस के समक्ष रखें और वहाँ की विचारधारा को भी देखें जहाँ दर्जनों हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित अवश्य करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस विचारधारा में हम आप सभी यदि सहयोगी बन जाएं तो ये बात देश स्तर पर अगर उठे तो कहीं ना कहीं नशा मुक्त देश अवश्य बनाया जा सकता है। पहले प्रदेश के लिए ही अगर हम आप सभी लोग प्रयास कर लेंगे, अगर प्रदेश को नशा मुक्त करने में सफल हो गए तो निश्चित रूप एक न एक दिन देश नशा मुक्त अवश्य बनेगा। बोल सकते माते की परम पूज्य परमहंस महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, ओम श्री मां करता हूं। यहां पर उपस्थित समाज को चैतन्य करने वाले सभी बहनों एवं भाइयों,